हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, रात को हम 1 बजे यहाँ पर पहुँचे थे अयोध्या धाम में, और 1 बजे ही हमको रूम लेना पड़ गया था क्योंकि हमारे साथ में लविका थी इस वजह से, और ठंडी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी तो रूम लिया था। अभी हम सुबह लेट तक सोते रहे हैं और लेट तक जगे हैं, तो अभी फ़िलहाल नहा धो करके रेडी हैं, अब जाएंगे हम घूमने के लिए। तो घूमने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप अयोध्या धाम आ रहे हो तो आपको गेस्ट हाउस कैसे मिलेगा जो कि रेलवे स्टेशन के भी पास हो और मंदिर के भी पास हो। तो रेलवे स्टेशन से हम जैसे ही बाहर की तरफ निकलेंगे ना, तो ये गली मिलेगी आपको। देख लो, अच्छे से देख लो, इधर से हम आए थे, इधर से रेलवे स्टेशन की रास्ता है, इधर से आए थे, और इधर की तरफ जो एक पतली सी गली मिलेगी इसमें हम सीधे चले जाएँगे, और सीधे जाते जाते आपको देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट हाउस हैं, आश्रम भी है, धर्मशाला भी है, लेकिन मैं उसकी बात करूँगा जिसमें मैं ठहरा था। उसमें सारी फैसिलिटी थी जो कि एक होटल के रूम में होती हैं। सामने देख सकते हैं शक्ति गेस्ट हाउस, तो इसी में हम रुके हैं और इसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो एक घर की तरह ही आपको एक इसमें फीलिंग आएगी कि आप किसी घर में रह रहे हैं। तो जैसे जैसे हम अंदर गए इसमें, तो हमें मिला था ऊपर का रूम, तो सीढ़ियों से होकर के हम ऊपर गए। हालांकि उन्होंने हमें नीचे वाले रूम भी दिखाए लेकिन हमें अच्छे नहीं लगे, तो हमने कहा ऊपर ही सही है। तो जैसे जैसे हम ऊपर चले और सेकंड फ्लोर पर पहुंचने के बाद में हमारा रूम था, तो रूम आपको दिखाते हैं कि कैसा रूम था, और इसके प्राइस की भी बात करेंगे कि प्राइस इसका क्या था, फैसिलिटी भी दिखाएँगे क्या क्या थी इसमें। तो ये हमारा रूम है, आप देख सकते हैं बहुत शानदार रूम है। डबल बेड है इसमें, अलमारी है इसमें, एसी लगा हुआ है इसमें, पंखा लगा हुआ है इसमें, गीजर लगा हुआ है इसमें, लाइट लगे हुई है, 2-3 तरह की लाइट है इसमें, लो लाइट भी है, टीवी भी है, और इधर खड़े होकर के आप अपने वीडियो वगैरह फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा सकते हैं क्योंकि बहुत सुंदर डिज़ाइन इधर बना है। और यहाँ बाथरूम देख सकते हैं, काफ़ी साफ़ सुथरा बाथरूम था, गीजर लगा हुआ था, पानी 24 घंटे आ रहा था। तो ये सारी फैसिलिटी थी इसके अंदर, और रूम भी काफ़ी बड़ा था, ऐसा नहीं था छोटा था। और यहाँ से अगर हम रूम से थोड़ी सी घूमने का प्लान बनाते हैं, तो अपना सामान रख के आप बाहर निकलोगे ना, तो रूम से थोड़ी ही दूर निकलने पर, मतलब गली से जैसे बाहर आओगे आप, तो ये मेन गली आ जाती है जो कि अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास में है। मुश्किल से 100 मीटर की दूरी इसकी रही होगी, तो हम इसी गली में बाहर निकलेंगे। तो जैसे हम अपने होटल वाली गली से निकलेंगे तो राइट हैंड पर जाएंगे तो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन है जो कि 50 कदम की दूरी पर है, और लेफ्ट हैंड की साइड जाएंगे तो सीधे चले जाना है हमको इसी रास्ते पर। और जैसे जैसे हम सीधे चलेंगे, लगभग हम 500 मीटर आगे चलेंगे तो मेन रोड आ जाती है, जिसी रोड पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसी रोड पर आप राइट साइड में थोड़ी सी चलेंगे ना, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा चलेंगे तो आपको श्री राम मंदिर का जो मुख्य मार्ग, मुख्य प्रवेश द्वार है ना, वो दिखेगा। अभी उसका निर्माण कार्य चल रहा है, बहुत जल्दी वो तैयार हो जाएगा, उसके पिलर बनाए जा रहे हैं दोनों तरफ से, और जो उसका रास्ता है, कॉरिडोर है, उसका काम भी तेज़ी से चल रहा है। तो आप अच्छे से देख लें इन गलियों को, और यहाँ पर बहुत सारे गेस्ट हाउस हैं, तो आपको जो अच्छा लगे आप ले सकते हैं।